Hey guys, welcome back to my channel. I'm Isha Goel. Today I'm going to make this yellow hamper which signifies warmth, happiness, sunshine. So these are the things I'm going to use. First of all, मेरे पास ये मिठाई का डब्बा रखा हुआ था और येलोज में कवर किया हुआ था और ये जो थर्माकोल से मैंने इसे अपने हिसाब से कट कर लिया है. जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आप रख के देख लीजिए आपको किस टाइप से सब सामान चाहिए, वैसे ही मैंने कट कर लिया. जैसे आप देख सकते हैं मैं ये रख रही हूँ, ये एक सॉफ्ट वर्क, तो आप देखिए मैं वहाँ पे जहाँ रख रही हूँ वो हिस्सा उसी हिसाब से कटा हुआ है जैसे ये रखा रहेगा. तो अब डायरेक्टली मैं उसे नहीं लगाऊंगी क्योंकि अगर ये काफ़ी हैवी था तो अगर मैं डायरेक्टली इसे ग्लूगन से लगाती तो निकल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लोरल वायर यूज़ किया. फ्लोरल वायर अगर मैं थर्माकोल में इंसर्ट करूँगी तो वो काफ़ी अच्छे से लगा रहेगा, अटैच्ड रहेगा और वो निकलने का डर नहीं रहेगा. आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से लगा रही हूँ, आप भी वैसे ही लगाइए. हल्का सा ग्लूगन लगा दे रही हूँ, इन केस फ्लोरल वायर निकला तो ग्लूगन बचा लेगा और ग्लूगन निकला तो फ्लोरल वायर बचा लेगा. बट आई एम श्योर ही निकलेगा नहीं, काफी अच्छे से लगा हुआ था ये थर्माकोल, मैंने वैसे ही कट कर लिया है. देखिए अब थोड़ा सा और कट कर लेती हूँ ताकि सीधा रहे. थर्माकोल मैंने उसी हिसाब से कट करा था जिससे ये अच्छे से अटैच रहे. देखिए कितना अच्छे से ये लगा हुआ है. अब जैसे येलो कलर और मैगी इज़ मस्ट, सो मैं यहाँ पे मैगी के जो लोअर पार्ट है उसको ऐसे फोल्ड कर दे रही हूँ और टेप से चिपका दे रही हूँ ताकि ऊपर ऊपर ना रहे और गैप ज़्यादा कवर ना करे. गाइज मैंने थर्माकोल पहले से इसलिए कट कर लिया ताकि इसमें वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो जल्दी बन जाए. अगर आप चाहें तो मैं इसे फिर से बना के अपलोड कर सकती हूँ. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर ये आप चाहते हैं कि नहीं. ग्लू गन से मैंने इसे लगा दिया है. अब मेरे पास फ्रूटी था, फ्रूटी को भी मैंने वैसे लगा दिया है, येलो कलर ही है. तो फ्रूटी को आप कट कर लीजिए जैसे मैंने बोला. थर्माकोल मैं उसी हिसाब से कट कर चुकी जिस हिसाब से मुझे फ्रूटी का स्पेस चाहिए. थर्माकोल को मैं कवर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे आगे चॉकलेट से ऑल कवर करूँगी, इसलिए मैंने उसे एक्स्ट्रा पेपर से कवर नहीं करा है. आप चाहे तो कवर कर सकते हैं बट नेसेसरी नहीं था तो मैंने इसलिए कवर नहीं करा है. फाइव स्टार को भी आप, फाइव स्टार को देखिए मैं कैसे इसे थोड़ा आगे करके लगा रही हूँ ताकि जो गैप वाला था वो नीचे और झुक जाए, उसका जो लोअर पार्ट है आप उसको थोड़ा पीछे ही फोल्ड करके ही लगाइए अगर आप टेप नहीं लगाना चाहते तो. ये एरिया भी मैंने इसी हिसाब से कट करा था. अब देखिए छोटे छोटे चॉकलेट्स जो है उसे मैं पूरा कवर करूँगी, जितना भी वाइट एरिया है जितना भी आप कवर कर लीजिए. ये गॉगल है, अब गॉगल को आप डायरेक्टली मत लगाइए. अब जैसे ये गोल्डन कपड़ा है, गोल्डन येलो टाइप का थोड़ा कपड़ा है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा येलो ना हो, एकदम वाइब्रेंट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा डल यूज़ कर रही हूँ इसमें. अब आप देखिए आप पतला से एकदम कट कर लीजिए, पतला में से और छोटा सा कट कर लीजिए. गॉगल्स जो भी आप अगर चश्मा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऐसे बांध के उसके ऊपर ग्लूगन लगाइए, डायरेक्टली गॉगल में मत लगाइए क्योंकि जब आप गॉगल में लगाएंगे तो अगर सामने वाला अगर निकाल रहा है तो शायद ख़राब हो सकता है उससे. इससे बेटर है आप अच्छे से बांध दीजिए उसमें और फिर उसमें ग्लूगन लगा के आप चिपका दीजिए. और ये बचा जो है मैं उसे चारों साइड ऐसे हल्का सा लगा दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा वाइब्रेंट येलो है वो थोड़ा सा कवर हो जाए. और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आप थोड़ा सा कॉर्नर कॉर्नर में ग्लूगन लगा दीजिए ताकि जो आप रिबन या फिर कुछ भी कपड़ा लगा रहे हैं वो निकलेगा नहीं. पूरा मत लगाइए, बस कॉर्नर 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 में अच्छे से अटैच कर दीजिए. सो इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट्स. एज यू कैन सी गाइस थर्माकोल बिल्कुल शो नहीं हो रहा है और ये काफ़ी वार्म हैप्पीनेस और सनशाइन फीलिंग दे रहा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब.